जय माता दी फ्रेंड्स, आज मुझे जाना है अपनी एक फ्रेंड के घर। तो अब मैं रली जी और गप्पू के लिए फटाफट से मैंने बना दिया आलू शिमला मिर्ची की सब्ज़ी और ये दाल उबल रही है। इन लोगों के लिए खाना फटाफट से बना दिया है। मुझे आज अपनी एक फ्रेंड के घर जाना है, तो अब मैं जल्दी से फटाफट से काम निपटाती हूँ और फिर रेडी होके जाएंगे। क्या कर रही है ये? हमारे पास बैठी है, गुंडू सोफे पे चढ़ जाता है तो अपने आप चढ़ गई सोफे पे। क्यों भाई, तो नन्ना तू सोफे पे कैसे चढ़ गया? मना कर रखा है ना तेरे को? हैं, और बस जो थोड़ी सी कसर है वो और बिगाड़ दे। उधर तो पलंग पे सोती है, यहाँ सोफे पे और बिठाने लग उसे। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, गलन हो रही है गप्पू। आज तो बहुत जोर से ठंड हो रही है। आज जोत जला रहा है तू? चलो गप्पू भैया जोत जला रहे हैं और अब मैं ऊपर आ गई हूँ। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। आज हमारे दो दो तीन तीन पार्सल आए सुबह उठते ही। तीन तीन पार्सल देख के आज बहुत जोर से डांट पड़ गई फिर से। चलिए गप्पू भैया जोत जला रहे हैं तो अपना काम देखते हैं किचन में थोड़ा सा। गप्पू चाय बनाओ। हैं, क्या थोड़ी सी बना लो, गप्पा मार्केट निकल जाओ तो माफी। नहीं तो फिर अभी नहीं बना रही थी तू, पहले अभी फाइनल कर ले। मार्केट जा रहा है कि चाय पी रहा है? बाद में क्या पता चलेगा, जोत जला के बता दे मुझे, पिएगा तो बनाऊंगी नहीं तो नहीं बनाऊंगी। ये गप्पू भैया का ऐसे ही चलता रहता है, बाद में पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। चलिए देखते हैं किचन में थोड़ा सा कुछ क्या कर सकते हैं। उसके बाद मंदिर भी जाना है, मंदिर में रामायण में चलेंगे। ये फ्रेंड्स मेरी चिमनी क्लीन हो गई है और अब मैं इसकी प्लेटें लगा देती हूँ। जो मैंने आपको इसकी स्थिति दिखाई थी, ये बहुत ज़्यादा चिकनी हो रही थी, अभी क्लीन हो गई है। और आज रली जी लेके आए हैं सब्जी, तो चलिए अब पहले फटाफट हम सब्जी समेटते हैं, सब्जी का काम करते हैं। इसको पूरा फ्रिज में लगा देती हूँ अच्छे से, और चिमनी की भी मैं प्लेट्स लगा रही थी, इसको मैंने नीचे से भी क्लीन कर दिया, बहुत गंदी हो रही थी। आज फटाफट से अब मैं बना लेती हूँ मक्खन, क्योंकि बहुत दिन की मलाई इकट्ठी हो गई थी और सर्दी ज़्यादा थी, तो मैंने पूरा 1.5 दिन हो गया इसे बाहर रखा हुआ था। अब ये बहुत अच्छे से इसका ठंडापन निकल गया, फटाफट मैं बना लेती हूँ मक्खन। रली जी बड़ी मंडी से बहुत सारे इकट्ठे आलू ले आए और बहुत सारी गोभी ले आए, तो मैं इसके ये डंठल काट के रख रही हूँ। हम पंजाबी लोगों को डंठल की सब्ज़ी बहुत पसंद होती है, तो कल मैं बनाऊंगी पंजाबी स्पेशल डंठल की सब्जी, वो बिल्कुल खाने में नॉनवेज की तरह लगती है। चलिए मैंने डंठल काट के अलग से रख दिए। फ्रेंड्स आज तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अब मैंने अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया और अब मैं आके बैठ गई हूँ। आज तो ऐसा लग रहा है हीटर निकाल लिया जाए, बट हाँ आज तो मैंने नहीं निकाला, लेकिन हाँ कल ऐसा लग रहा है कि हीटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बादल हो जाते हैं बार बार, बारिश जैसा मौसम हो रहा है। बारिश हुई तो नहीं है, बट हाँ लग रहा है कि पानी आ सकता है। चलिए मैंने सब्जी भी पूरी समेट दी, मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं कल एक अच्छी सी मॉर्निंग में। जय माता दी।